खबर भोपाल से है, जहां एक महिला अपनी और अपने 10 महीने के बेटे की परवाह किए बिना पानी में कूद गई और नाले में डूब रहे एक अजनबी शख्स को बचा लिया। महिला ने दो लोगों को पानी में बहते देखा तो उफनाते नाले में छलांग लगा दी। उसने एक युवक को तो बचा लिया लेकिन दूसरे को नहीं बचा सकी। फिर महिला ने पुलिस को भी सूचना दी। महिला की बहादुरी के लिए नजीराबाद पुलिस ने रविवार को उसे सम्मानित किया। नजीराबाद थाना प्रभारी बीपी सिंह ने बताया कि ग्राम कढ़ैया कला का रहने वाला राजू अहिरवार उम्र 25 वर्ष किसान था। गुरुवार को वह साथी जितेंद्र अहिरवार के साथ ग्राम खजुरिया में खेत पर कीटनाशक का छिड़काव करने आया था। शाम करीब 6 बजे दोनों घर जाने के लिए निकले लेकिन दोपहर में हुई तेज बारिश के चलते कढ़ैया कला खजुरिया गांव के बीच नाला उफान पर आ गया। दोनों नाला पार करने के दौरान बह गए। दोनों युवकों ने बाइक की चाबी शर्ट में बांधकर दूसरी तरफ मौजूद अपने दोस्तों को यह कहते हुए फेंक कर दी कि बाइक लेकर नजीराबाद होकर घर में रख देना, लेकिन चाबी और शर्ट नाले में बह गई। इस पर दोस्तों ने राजू और जितेंद्र से कहा कि वह दूसरे रास्ते से होकर पहुंच रहे हैं, तब तक नाले किनारे हमारा इंतजार करना। लेकिन इससे पहले ही राजू और जितेंद्र नाला पार करने लगे और तेज बहाव में बह गए, जिसके बाद नाले के पास ही कंजर टपरे में रहने वाली रवीना ने उन्हें देख लिया। उसने जितेंद्र को तो बचा लिया लेकिन राजू को नहीं बचा सकी। गुरुवार को राजू का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद शुक्रवार सुबह होमगार्ड के जवान और खोताखोरों की मदद से दोबारा सर्चिंग शुरू की गई। करीब 10:30 बजे नाले में करीब 15 फीट गहराई में राजू का शव मिला। पानी भरने गई थी तो नल पे मैं पानी भर रही थी तो उसकी पता नहीं उस व्यक्ति की डूबते हुए कैसी नजर पड़ी मेरे पर, तो उसने मुझे देख लिया तो बोला रवीना दीदी बचाओ 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 मुझे। मैंने कही तो डूब रहा अपना गांव का ही लड़का है, तो मैंने उसको बचा लिया निकाल लिया और दूसरे को बचाने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं असफल रही उसमें।